नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे रामदास कदम के बारे में, जिन्होंने अभी कहा है वर्धापन दिन प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि 100 से ज्यादा सीट हमें चाहिए विधानसभा चुनाव में, यानी 288 में से 100 से ज्यादा सीट उनको चाहिए, क्योंकि उन्होंने आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने लोकसभा में काफी भेदभाव किया और सीट देने में काफी समय लगाई। तो ऐसे में जो है हमारी सीटें और भी आ सकती थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के जो है इसे सबोटेज किया और उसमें बीजेपी का भी नुकसान हुआ और शिवसेना का भी नुकसान हुआ। तो क्या रामदास कदम जो कहना चाह रहे हैं, क्या बीजेपी उसको मानेगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सतीश जी। आपने सवाल मुझे जो बोला था पहले, वो बोला था ये कि क्या रामदास कदम एकनाथ जी शिंदे को ये सब भाषण करके मुसीबत में डाल रहे क्या? हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी सवाल है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। तो क्या शिंदे साहब को मुसीबत में डाल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे हैं, वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो है टिकट देने में भी डिले किया और टिकट जितना चाहिए उतना दिया भी नहीं, यानी उनको कम से कम 20 से 25 सीट चाहिए था, 20 सीट कम से कम चाहिए था लोकसभा में, अभी विधानसभा में तो 100 से ज़्यादा मांग रहे हैं। तो ऐसे में सर ये चर्चा तो शिंदे साहब को करनी चाहिए, तो ये रामदास कदम जी कहाँ से आ गए अभी बीच में, और मुझे लगता है कि शिंदे साहब को थोड़ा सा नर्वस कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। सही है, मैं आप गलत है। अच्छा, ये जब बोल रहे तो सर मैं अभी 55 साल से पॉलिटिक्स में और पत्रकारिता में, उसमें से 80 से लेकर मैं तो मुख्यमंत्रियों के साथ, 6 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया हूँ, बहुत सारे कम से कम 2 डजन नेताओं के साथ भी काम किया हूँ, तो मैं ये पक्का आपको कह सकता हूँ कि कभी भी जो अच्छा बुद्धिमान चतुर धूर्त नेता रहता है वो अपने मुंह से 90% बातें नहीं बोलता है, वो दूसरे बुलवाता है, सीधे सा बुलवा रहे। सवाल ही नहीं। मतलब एक रामदास कदम नहीं बोल रहे, सिंधे साहब बोल रहे। ये सर वो हमारे यहाँ एक रामदास पाध्ये करके आदमी है, वो पपेट ऐसा ये करता है और वो खुद बोलता है, उसके मुंह से ऐसा लगता है रामदास कदम पपेट है। हाँ, मैं रामदास कदम ने पहले ही बोला होगा शिंदे साहब को कि मैं जरा बाट लगा देता हूँ इनकी, इनको एक्सपोज करता हूँ, बहुत तकलीफ दे रहे हैं। शिंदे साहब बोलेंगे तू लजे वाटेल तो कर, ऐसा शायद बोले होंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं, मैं जो बोल सकते नहीं थे तुम्हें लोगों ने बोल लो पाई। ये शरद पवार भी करते हैं, भाई उद्धव ठाकरे बाजू में रह के संजय राउत से क्या करता है? वो भी संजय राउत का भाई, ये संजय राउत बनना रहा है उसका शीर्षाट संजय, और ये कदम वो इसकी संजय राउत की भूमिका में है। उद्धव बोल सकता है कि भाई वो भी पत्रकार ये है, इंडिपेंडेंट है, उनका वोट है, पर वो पर्सनल है, अगर आंग पे आ गया तो बोलेंगे पर्सनल मत है उनका। रामदास कदम भी शाने, दूसरे दिन उन्होंने बोला जो मैं बोला वो भावना हमारे शिवसैनिकों की भावना है कि नहीं? तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि रामदास कदम ने जो बोला वो एकनाथ शिंदे ने ही बोला है जी, ये समझने के काबिल फडणवीस भी है और बीजेपी नेता भी है, और उन्होंने किया ही है, और क्या है, किया ही है ना, आखिर मोमेंट तक उन्होंने श्रीकांत शिंदे को क्लियर नहीं किया, गोडसे को नहीं क्लियर किया, उसके का नहीं क्लियर किया, फिर पहले तो उनको 10 सीट दे रहे थे, बाद में 15 तक पहुंच गए, बीजेपी ने जितनी मारनी थी संजय राउत बोला ना ठासून मार ली, वो बीजेपी ने ठासून मार ली ती कोणाकोणाची मारली, शिंदे साहेबांचे पण पक्षाची मारली, यांचे पण पक्षाची मारली, स्वतःची पण मारून घेतली, सवाल ही नहीं ना। फिर इन्होंने भी अपना हस्त्र निकाला, अजीत दादा के किसी आदमी ने इनको वोट नहीं दिया, शिवसेना के भी लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, इसलिए तो बीजेपी 9 पे आ गई ना 23 से, सबसे ज्यादा नुकसान इसमें किसका हुआ? बीजेपी का ही हुआ। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि वो जो गुस्सा लोगों में उमड़ रहा था वो गुस्सा शिंदे और अजीत दादा के मन में भी था, मनसे के मन में भी था, मनसे को कैसे इन्होंने ये गलत किया कि 2 सीटें दी लोकसभा की, वो गिद्दी शिंदे साहब के कोटे से, क्यों? तुमको इतना प्यार है अगर राज साहब के बारे में तो तुम्हारे 2 सीट दे ना, तुम्हारे नहीं दे रहे, और वहां पे भी देख रहे हो, उनको मालूम है शिंदे साहब बोलेंगे कि हमारे धनुष्य बाण पर खड़े रहो,
है कि नहीं, तो इनको भी आपने कहा कमल को धक्का लगाने था, दे देते थे ना, जहां पे अभी आए हैं वहां पे मनसे को दो सीट देते थे। मनसे को दो सीट दी क्या उन्होंने? नहीं दी। कहां दिया? क्यों नहीं दी? वो खपर शिंदे के ऊपर फोड़ दिया कि भाई शिंदे साहब ने नहीं दी, हमने तो दी थी। अरे वाह रे वाह, दी थी दी, ऐसी दी, उनकी दो सीट है, हरवाया गलावर तुलसीपत्र, आईजे जवाहर बाईजी उधार, तो तुम्हारे क्यों नहीं दी? इतना अगर प्यार उमड़ रहा था राज ठाकरे के बारे में तो तुम्हारी दो सीट दे देते थे, कितने तुम्हारे पास दे देते थे, आ जाते थे, उनके भी 2000 आ जाते थे, नहीं आने दिया। शिंदे साहब के ऊपर उसका ये किया, शिंदे साहब के मन में भी गुस्सा है, और रामदास कदम जो बोल रहे हो, रामदास कदम है नहीं, वो हमारे रामदास पदे के बोल के बावले है। रामदास कदम ने अच्छा किया, सिरसाट भी बोलता है सर शिंदे गुट के सभी नेता बीजेपी को गाली देते हैं इस समय ने पहले से दे रहे, जिस दिन से सरकार बनी उस दिन से दे रहे। आप अजीत दादा को ला के डायरेक्ट उनको 10 मंत्री पद भारी 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 दे देते हैं, और हमारे लोगों को ऐसे ही रखते हैं, ये क्या चीज हो गई? तो अब विधानसभा में तो कुछ क्लियर करना चाहिए, अजीत दादा को क्लियर कर देना चाहिए भाई, अब बस हो गया। नहीं नहीं, हिम्मत नहीं है ना, फिर लोग बोलेंगे कि ये देखो निरोध जैसा करते हैं, अजीत दादा का निरोध कर दिया, यूज एंड थ्रो, रात गई बात गई, कितना वो भी बदनामी नहीं बोलने से अच्छा करो, नुकसान से तो बचे कम से कम, बहुरे तो बदनामी क्या फर्क पड़ता। हाँ तो ऐसी बदनामी होने दो, तो वो बदनामी हो जाएगी तो कल शिंदे भी सावधान हो जाएंगे, बोलेंगे अजीत दादा का आज जो किया कल मेरे होने वाला है, जो मेरा होगा हो सकता है वो राज ठाकरे का भी होने वाला है। बीजेपी के साथ कौन रहेगा फिर? बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, छोटी बात हो जाएगी, लड़ने दो 288 पे क्या फर्क पड़ता है? फिर वो ये सब पूरा जो मामला है ना वो 288 में से 88 सीटें भी नहीं आएगी, अजीत दादा और 50 आएंगे, नहीं अजीत दादा शिंदे साहब एक हो जाए, नहीं दादा शिंदे साहब नहीं सर, ऐसी मौके पर तो और एक अलग आघाड़ी बीजेपी के खिलाफ बनेगी जिसमें ये सब बाकी वाले शामिल होंगे, वो कांग्रेस और बीजेपी को बाजू में रख के एक आघाड़ी बनेगी, थर्ड पार्टी नहीं बने अभी, ऐसा मौका नहीं दिख रहा है। मगर रामदास कदम जो बोले झूठ नहीं बोले जी, बीजेपी ने वाट लगाई कि नहीं शिंदे गुट की? 100% लगाई, मदद नहीं की। बीजेपी वालों ने काम किया क्या इनका? नहीं किया सर, नहीं किया। बड़ी मुश्किल से ऐसी नौबत आई थी कि एकनाथ जी शिंदे को क्या क्या करना पड़ा तभी जाके चुन के आए 7 सीट, नहीं तो मुश्किल था, बीजेपी के ऊपर छोड़ देते थे मुश्किल। अरे जिसकी खुद की 9 सीटें आई वो दूसरों को क्या सीट देगा, ये भी सोचो ना, उनकी खुद की 9 आई 23 थी, जो 23 से आके 9 पे पहुंच गया वो दूसरों को क्या मदद करेगा, उड़ा कड़े नागड़े गेलन कुड़कुड़ मेलो, ऐसा हो गया, उनकी खुद की सीटें नहीं आ पा रही तो इनको कहां से वो सीट देंगे। तो और एकनाथ शिंदे जी को आखिर तक सीट क्लियर नहीं की, उनकी सीटों पे दावा करते ही रहे, और वो भी वैसा ही करते हैं, फडणवीस नहीं बोलते हैं, उनके चंगू मंगू जो है उनको बोलने को बोलते हैं ना, तो इनके भी ये चंगू मंगू है, संजय शिरसाट और ये वो बोलते हैं, उनके संजय राउत है उनको एलिवेट करना है। तो रामदास कदम ने मुसीबत बाहर डालने के लिए नहीं बोला, मुसीबत से छुड़ाने के लिए बोला कि अगली बार तो कम से कम बीजेपी को इशारा रहे कि भाई इतना भी हमको टेकन फॉर ग्रांटेड मत करो। सर असल में बोलूं क्या, सबसे ज्यादा सीटें 2 कम से कम सर, कैसे अभी महाआघाड़ी ने ऑलमोस्ट तय किया है कि हम 100 सीटें शिवसेना उद्धव को देंगे, शिवसेना 100 सीटें कांग्रेस को देंगे, 88 सीटें राष्ट्रवादी को देंगे पवार साहब को, उसमें से 8 सीटें वो छोटे पक्षों को देंगे, फॉर्मूला तय हो गया। पर ये मगर ये फॉर्मूला बीजेपी का तय मान्य नहीं करेंगे, अब ऐसा दबाव आएगा कि भाई जो फॉर्मूला महागठबंधन ने लिया है वो हमारे साथ करो, कि शिवसेना शिंदे गुट को 100 दो तुम 100 लो और 80 सीटें रखो अजीत दादा के लिए, वो बोल रहे हैं ना 90 का प्रॉमिस किया है अमित शाह ने, तो 80 सीटें रखो, 8 सीटें राज ठाकरे को, राज ठाकरे को दे दो, और 100 सीटें बीजेपी। हाँ मानेंगे क्या बीजेपी का? कांग्रेस मान रही है ना, बीजेपी का 150 सीट कांग्रेस के लोकसभा सदस्य इस बार बीजेपी से ज्यादा आए कि नहीं आए, फिर भी वो 100 सीट पे राजी है, उद्धव क्या आए कि नहीं आए, फिर भी वो 100 सीट पे राजी है, तुम भी राजी हो तो तुम तो हारे हुए पार्टी है बीजेपी,
तो लोकसभा में हारे ना, विधानसभा थोड़ी हारे हैं। विधानसभा अभी भी 105 सीट तो उनका था ना, 106 सीट। सर भूतकाल भूतकाल होता है, वो भूत प्रेत पे अभी कुछ चलता नहीं है, वर्तमान वर्तमान होता है। अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, है कि उनकी ताकत 9 आ गए ना आपके लोकसभा सदस्य, 125 में तो आप हार गए हैं, ये सोचो क्या बात कर रहे हैं, इत क्या है उत क्या है। अरे 125 में से डायरेक्ट हार गए हो और 1,00,000 से ज्यादा वोट से हारे हैं, तो बीजेपी को भी समझना चाहिए भाई हम कहाँ आ रहे हैं, शिंदे कहाँ आ रहे हैं, ये कहाँ आ रहे हैं। तो सब मिलके सब भिखारी बन गए। अब भिखारी लोगों को भीख के ऊपर झगड़ना नहीं चाहिए, 100-100 करना चाहिए, 80 सीट दे दो अध्यक्ष दादा को, 8 सीट दे दो मनसे की भी लायकी उतनी है, 8 सीट की, 8 बहुत हो गए, एक ही आने वाला है। मनसे अभी 150 कितना 250 सीट पर अनाउंस कर रही थी ना, फिर लड़ो स्वतंत्रता से, वो फायदेमंद है बीजेपी को, और वो लड़ेंगे नहीं सर, वो 250 की बात करते रहे, बीजेपी लड़ाई उनको भाई तुम इंडिपेंडेंट लड़ो, जो खर्चा है हम देंगे। वो तो ऑफर परमानेंट है, मगर वो भी अपने मन से करते हैं ना। कांग्रेस वालों के साथ गए नवैनों में, तो उस समय एक भी सीट लड़े नहीं ना, वो खाली उनका प्रचार किया, अभी इनका प्रचार किया। सो उससे ऐसा हो गया कि ये किसी का नहीं, ऐसा हो गया ना, घर का ना घाट का हो गया। अभी लोग बोलते हैं कि पैसा किसका मिलता है उसके ऊपर डिपेंड है, तो विधानसभा में भी इनके बहने से वोट कहाँ मिलेंगे। फिर भी 8 सीट देना ठीक है उनको, उससे ज्यादा दिए तो कठिन है। तो सर ये रामदास कदम को आप ये मत करो, दूषण मत दो, वो जो बोल रहा है वो एकनाथ शिंदे की मन की बात है, दिल की बात है, वो नहीं बोल सकते, उनको बोलना नहीं चाहिए। ये हमेशा सर पावण्याच्या काठीने विंचू मारायचा असतो, मराठीत म्हण आहे पावण्याच्या काठीने विंचू किंवा चपलेने विंचू मारणं, ये चप्पल है, मतलब मेहमान के चप्पल से बिच्छू को मारो मारो, खुद के चप्पल से नहीं, नहीं क्यों, ये अभी मन है ऐसी, क्यों नहीं क्या, अपनी चप्पल खराब ना हो ऐसा होगा तो उसको पौने को बोलने का, जा तू उसको मार के आ, अपने को बिच्छू काटने का भी डर नहीं ना, काटा उसको नुकसान हो उसका, नहीं नुकसान नहीं होता है, बिच्छू मर जाता है चप्पल के नीचे, नहीं मरा सर आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने कितने बिच्छू मारे हैं। पहले हम जहाँ रहते थे थाना में, वहाँ पे रोज बिच्छू और सांप निकलते थे और उस समय ये जागृति नहीं थी कि सांप को मत मारो वगैरह, और मारते थे तो हम कुछ काटते ही थे 100%, तो जगह ही ऐसी थी। मगर ठीक है छोड़ो वो बात नहीं है, रामदास कदम ने जो बोला वो सही बोला, गलत नहीं बोला, और वो एकनाथ जी के कहने से ही बोला, इसके ऊपर आप भरोसा रखो, रामदास कदम को कोई दोष नहीं देने का, संजय सिराट को दोष नहीं देने। जी धन्यवाद सर आपकी इस प्रतिक्रिया के लिए। फ्रेंड्स आपकी भी की प्रतिक्रिया रहेगा इस चर्चा पर तो हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अनिल गगन बेदी साहब का भी चैनल है, उसको भी धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।